हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने फ़ोन पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे लिखा रहता है नो ऐप फाउंड टू ओपन लिंक, तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से डेट लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पे डेट लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का, तो आपको यहाँ पे उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। यहाँ पे यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम को यहाँ पे इनेबल करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की ओर थ्री डॉट दिखेगा, तो यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रिसेंट ऐप प्रिफ्रेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रिसेंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे रिसेंट हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये जो प्रॉब्लम आ रहा था इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।